नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का नया अध्याय पढ़ाऊंगी। बच्चों, अभी तक हमने यूनिट के समस्त पाठों का अध्ययन कर लिया है, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, संज्ञा। संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था का पता चलता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होते हैं जिनसे हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम का पता चलता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे ताजमहल यमुना के किनारे है, यहाँ पे ताजमहल एक विशेष इमारत है और यमुना एक विशेष नदी। हमने हिंदी में बातचीत की, हिंदी एक विशेष भाषा का नाम है। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट आए। जगदीश चंद्र बसु एक विशेष वैज्ञानिक व्यक्ति का नाम है। तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। विद्यार्थी गरीब था, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं। नदी पर्वत से निकलती है, हर नदी को नदी और हर पर्वत को पर्वत कहते हैं। सड़क चौड़ी है, प्रत्येक सड़क को सड़क कहते हैं। इन वाक्यों में रंगीन छिपे शब्द संज्ञा शब्द अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित करते हैं। जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएँ जातिवाचक संज्ञाएँ हैं, अर्थात जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हमें अपने देश से प्रेम है, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, कवयित्री अपने बचपन को याद करती है। यहाँ पे रंगीन छिपे शब्दों से हमें भाव, गुण और अवस्था का बोध हो रहा है, अतः भाव, गुण, अवस्था आदि का हम अकेले अनुभव कर सकते हैं। इन्हें देख भी सकते हैं, इन्हें छू भी सकते हैं। ऐसी संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या किसी के गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण हैं आश्चर्य, क्रोध, बुढ़ापा, प्यार, हंसी, अपनापन, दुख, खुशी आदि। बच्चों, इन सब का भी अनुभव हम खुद कर सकते हैं और हम इन्हें छू सकते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। भीड़ तितर बितर हो गई, चींटियां परिवार में रहती हैं, यह चाबियों का गुच्छा है। बच्चों, इन वाक्यों में रंगीन छिपे शब्द किसी ना किसी समूह को सूचित करते हैं, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। समूह को सूचित करने के कारण इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अर्थात जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, टोली, गड्डी, ढेर, गट्ठर, मंडली, जुलूस, सेना आदि। बच्चों, इनका अर्थ है जैसे अगर किसी का दल है तो वे दल जैसे सैनिक दल है तो उस दल में सारे सैनिक होंगे, इसलिए वह समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि उनसे एक ही जाति और एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह पाजेब चांदी की है, 2 किलो आटा बचा है। बच्चों, इनसे हमें इन वाक्यों में रंगीन छिपे शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते, इन्हें नापना और तौलना पड़ता है। धातु, द्रव्य या पदार्थ को सूचित करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीनी, लोहा, तांबा, सोना, पानी, मिट्टी, दूध, चाय, पेट्रोल आदि। बच्चों, यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत केवल वही शब्द आते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें सिर्फ नापा या तौला जाता है। धन्यवाद बच्चों, आज का लेसन यहीं समाप्त होता है।